हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये आज का ब्लॉग जो है मेरा शाम से स्टार्ट हो रहा है, ये वहीं से जो मैंने लास्ट ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करा है ना, उसके आगे से ही ये ब्लॉग है। एक्चुअली उस दिन ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था तो मैंने उसके साथ इस वाले ब्लॉग को ऐड नहीं करा। तो ये शाम से मैं जो है ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर शाम के 5 बजे होंगे और मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम पर जो है हम लोग अब 5 बजे के ही चाय बनाते हैं। पहले हमने जैसे ज़्यादा सर्दियाँ थी तो हम लोग 4:30 या 4 बजे चाय बना देते थे, बट अब जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा दिन बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोग 5 बजे के टाइम ही चाय बनाते हैं शाम की। तो चाय मैंने चढ़ा दी है और आज ना मैं जो हमारी ग्रॉसरी है उसको भी कंटेनर्स में भर रही हूँ। वैसे काफ़ी ज़्यादा तो लगा ही दी थी क्योंकि बीच बीच में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो तो मैंने भर ही दिए थे, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी वो ऐसे ही थे, क्योंकि मेरे को ना जो कंटेनर है वो वॉश करने थे। आपको याद होगा मैंने पिछली बार भी जो कंटेनर है वॉश नहीं करे थे क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए। तो इस बार मैंने सारे कंटेनर जो है ना चार चार करके वॉश कर दिए थे और अब मैं सारी चीज़ें इसमें फ़िल कर रही हूँ। कुछ तो पैकेट्स ऐसे हैं जो पिछले महीने के ही बचे हुए हैं तो उन्हीं को मैं इसमें फ़िल कर रही हूँ, और कुछ जो हैं इस बारी के हैं तो जो पहले के हैं उनको मैं बाद में ऊपर से रखूँगी, क्योंकि क्या होता है पहले वही यूज़ हैं तो ठीक है क्योंकि वो पिछले महीने के हैं इसलिए। तो यहाँ पे कंटेनर देख रही हूँ मैं जो जो खाली, जैसे पोहा हो गया, सूजी हो गई, सिवई हो गई और दालें हो गई, ये सब मैं रख रही हूँ। और इस बार ना मैंने दाल जो है, एक राजमा जो है हम लोग चित्रा वाली, मैंने आपको दिखाया था पिछली बार मैंने मंगाई थी दाल, वो काफ़ी अच्छी निकली थी, लेकिन होता है कभी कभी एक्सपेरिमेंट की चलो दूसरी दाल भी देख लेते हैं। तो इस बार ना मैंने राजमा दूसरी वाली मंगाई थी, इसमें कश्मीरी राजमा लिखी हुई थी ये, तो कश्मीरी राजमा ये वाली बहुत डार्क कलर की थी ये, मतलब एक डार्क आप बोल सकते हो मेहरून कलर ना इस टाइप की थी ये। तो ये वाली दाल बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसी बनी है, और इसके बाद जो है बस और चीज़ें हैं वो मैं फिल करती जा रही हूँ। और यहाँ पे कैंडी को लग रहा था कि पैकेट्स की आवाज़ आ रही है तो कुछ बिस्किट जैसा कुछ है, तो वो यहाँ से गई ही नहीं जब तक, क्योंकि मैंने उसको बिस्किट नहीं दिया, तो फिर उसको बिस्किट दिया, उसके बाद वो चले गई यहाँ से। और बस मैं अपने सारे के सारे जो भी काम है ये वाले, ये सारे के सारे निपटा दूँगी। एक्चुअली मेरे को अच्छा भी लगता है इन सबको भरना इसलिए। और यहाँ पर ये वाली मैंने आज इस बार ना उड़द की धुली हुई दाल मंगाई है, क्योंकि मैं इस बार सोच रही हूँ जो इडली और डोसा का जो बैटर है मैं घर पे प्रिपेयर करूँ, जैसे चावल और उड़द की दाल का बनता है ना वैसे मैं सोच रही हूँ, तो इस वजह से मैंने उड़द की दाल मंगाई है। नहीं तो उड़द की दाल मैं कभी नहीं मंगाती हूँ, कि हम लोग उड़द की छिलके वाली दाल खा लेते हैं लेकिन बिना छिलके वाली नहीं खाते हैं, लेकिन इस बार मंगाई है तो जब बनाऊँगी इसका बैटर तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सब चीज़ें मैंने पेंडिंग में रखी हैं, कुछ कुछ जो मुझे बनानी है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आशी और सिया के एग्जाम की वजह से मैं रुकी हुई थी, क्योंकि ऐसा नहीं कि टाइम बहुत लगता है लेकिन एक हो जाता है कि हम रिलैक्स माइंड से बना पाते हैं ना, तो वो रिलैक्स माइंड मेरा अब आएगा जब आशी के एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तो मैं बहुत सारी चीजें जो बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं। तो बस यहां पर सारे के सारे कंटेनर फिल हो चुके हैं और इनको मैंने लगा दिया है। और यहाँ पे अभी हमारे पड़ोस में जो भाभी है ना, उन्होंने पालक दी है अभी फ़ोन करा उन्होंने, तो ये पालक और धनिया दिया है उन्होंने, उनके घर का ये है तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो ये उन्होंने दिया है अभी, वही लेकर आई मैं। और यहाँ पर अब मैं चाय गर्म कर रही हूँ क्योंकि मम्मी भी आ गई हैं, और अब मम्मी और मैं दोनों चाय बैठ के पियेंगे। ये थोड़ी कम है, मैं इसमें दूध और डाल रही हूँ, तो मैं ये अभी डब्बे वगैरह इसमें भरा है दाल वगैरह, तो इसलिए मैंने चाय नहीं पी थी, तो अब मैं चाय पीती हूँ। और आज जो है 2-3 दिन हो चुके हैं उसके बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे भी शूट नहीं करना चाह रही थी लेकिन देखकर रहा भी नहीं गया, तो हम लोग गए हैं टपकेश्वर मेके मेले में। तो आज आशी और सिया ने इतना ज़िद कर दी थी कि जाना ही पड़ा, नहीं तो मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था कि जाऊँगी, क्योंकि आशी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, मैं बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे मेले जाना है, लेकिन आशी और सिया बहुत ज़िद करने लगे, मम्मी थोड़ी देर चल लो, कल तो छुट्टी है थोड़ी देर चल लो।
तो फिर जब बच्चे इतने बोलने लग गए, और अच्छा हुआ कि मैं चला गई, क्योंकि इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे जो है मेला ख़त्म हो गया है मुझे पता चला, तो इस वजह से मैंने कहा अच्छा हुआ कि चले गए, नहीं तो फिर आशी और सिया तो भैया तूफानी कर देते इसलिए। तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था सोनू का, उसने मुझे बोला कि मेला आज ख़त्म है, वो भी गए थे जिस दिन, उसके नेक्स्ट डे मेला ख़त्म था। तो मैंने उसको बताया हम तो होकर आ चुके हैं, तो यहाँ पर दोनों देख रहे हो कितने खुश हैं मेले में। और इन्होंने बिल्कुल बोलते हैं ना नाक की सीध में मेले के अंदर घुसना, इन्होंने किसी भी शॉप को नहीं देखा है, ना ही इन्होंने हमें किसी शॉप को देखने दिया है, ये सीधा का सीधा जाके कहाँ पे रुके हैं, झूले के पास। मतलब सिया तो बिल्कुल झूला नहीं झूलती क्योंकि उसको डर लगता है, उसको गाड़ी में बैठने से भी डर लगता है, पता नहीं सिया का बचपन से ही है, बहुत छोटे से उसका है कि वो गाड़ी में नहीं बैठती, उसको बैठती है लेकिन बहुत ज़्यादा से डर डर के। तो आशी को यहाँ पर झूला झूलने का बहुत शौक है, और सच में मुझे बिल्कुल भी आशी को देख के लगता नहीं था कि वो कभी ऐसे झूलों में झूलेगी, जो आप सामने झूला देख रहे हो ना इसमें आशी ने झूला है, और मैं इतना डर रही थी, मतलब झूला तो वो झूल रही थी दादी के साथ, लेकिन नीचे जब मैं इनको देख रही थी डर मेरे को लग रहा था, मतलब मम्मी भी बैठ गई थी उसके साथ क्योंकि उसने बहुत जिद करी मम्मी आप बैठो आप बैठो, और सच्ची बताऊं तो मेरे को झूलों में बहुत डर लगता है, मैं लाइफ में तू झूल लेगी यार चल रहा बिठा दो या फिर आप ऐसे करते रह जाओगे। तो आशी और इसकी दादी जा रहे हैं, चल गया बिठा दो ना बेटा तू झूल लेगी बहुत ऊंचाई है। तो आपने सुना ना आशी की बात, उसको इतना और था मम्मी आप बस फालतू में बोले जा रहे हो, बस मुझे जाने दो मुझे झूलने दो, मतलब अच्छी बात है बच्चे थोड़ा सा खुलते हैं ये उसमें, लेकिन वो हमेशा ऐसे झूले झूलते हैं, इसको देख के मेरे को बहुत डर लगता है, लेकिन उसको डरने लगता है, और उसका साथ ना उसकी दादी ही दे पाती है, मैं कभी नहीं दे पाती इस मामले में क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है झूलों में, मैं नहीं झूलती हूँ। और सिया तो खैर आप भूल ही जाओ, वो बिल्कुल भी नहीं, वो तो बिल्कुल जिद ही नहीं करती, उसको झूले बिल्कुल शौक ही नहीं है डर तुम्हारे इसलिए। तो इसकी दादी और ये चले गए हैं झूला झूलने के लिए, और जब ये झूला झूल रहे थे ना आप सच्ची बता रही हूँ मेरे को इतना डर हो रहा था, मेरे को आशिका तो थोड़ा बहुत हो ही रहा था लेकिन दादी का ज़्यादा और था, क्योंकि ये मम्मी होता है कि थोड़ा सा एज भी है और ये झूला ना झूलते हैं बहुत डर भी लगता है, लेकिन मम्मी बोली मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा, मन कर रहा था दोबारा झूलने का। और ये जो ड्रैगन वाला झूला आता है ना इसको आशी झूलने के लिए इतनी जिद कर रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब वो एक बार के लिए गुस्सा ही हो गई थी कि आप मेरे को ये वाला झूला नहीं झूलने दे रहे हो, लेकिन इसके लिए मैं कभी परमिशन नहीं दूंगी, ये क्योंकि मुझे देख के इतना भयंकर लग रहा था ये, तो मैंने उसको बिल्कुल मना करा ना ये तो झूलना ही नहीं है। मजा आया की सास खुल के बैठ रहे, भैया की सास खुल के बैठ रहे, क्यों घबराहट हो गई उन्हें। अच्छा तो मम्मी और लोगों ने है अच्छा, और मेरे को टेंशन हो रही है मैं मम्मी की तबीयत खराब ना हो। हाँ और मेरे को तो डर लग रहा है कि मम्मी की तबीयत खराब ना हो, मजा आया तेरे को है। ये तो बहुत ऊंचा जा रहा, बहुत भयंकर झूला नहीं झूलेगी। सिया क्या खेलेगी? वो रिंग स्टॉल, रिंग स्टॉल में खेलेगी। ठीक है चलो जाओ, हाथ अंदर करना, आगे डाल और आगे डाल, ले ढंग से डाल, आगे डाल, हाँ डाल मैं करूँ 50 रुपए बोला, अरे थोड़ा सा रह गया, एक दादी को दे दे। और यहाँ पे आपको कैमरा की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी क्योंकि जो कैमरा के जो लेंस होता है ना वहाँ पे क्या बोलते हैं ना गंदा हो रखा था, मेरे को समझ ही नहीं आया, मैं बार बार सोच रही हूँ शायद मेरे कैमरे की स्क्रीन ख़राब हो रखी है, लेकिन उसका लेंस ख़राब हो रखा था और इतनी गंदी वीडियो बनी, जब मैंने बाद में देखी ना मेरे को इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना कि काश मैं साफ़ कर देती, बल्कि मैंने 2 बार कैमरा साफ़ भी करा लेकिन हुआ ही नहीं वो, और बाद में बहुत देर मेरे को समझ में आया कि जो उसका बिल्कुल मेन लेंस होता है ना वो ख़राब था, तो वो साफ़ करा। और यहाँ पर आशी और थे जो जो अपना खेलना था झूलना था वो, उसके बाद हम लोग आ गए। और यहाँ पर शिव जी की ना ये नई मूर्ति बनी है, बहुत सुंदर लग रही थी, तो ये देखिए उसके बाद हम लोगों ने इससे चेंज हो गया ना। तो आशी और सिया ने झूला झूल लिया, आशी ने झूला है, आशी ने और मम्मी ने झूला है, अब ये दोनों अपने बाद में वहाँ पे अपना पता नहीं क्या क्या देखेंगे, अब ये छोड़ेंगे नहीं, अब दुकानें नहीं छोड़ेंगे। तो दोनों बच्चे जो हैं इस वाले शॉप में आ गए, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वाला जो व्लॉग देखा होगा पिछले साल का टपकेश्वर मेले का, तो आपको याद होगा ये सबसे पहले का ये सिर्फ एक ही शॉप में अटके थे, वो यही शॉप थी। यहाँ पर ना मतलब बच्चों को अट्रैक्टिव करने के लिए ऐसी चीज़ें थी ना, बच्चे माने ही ना, मतलब लिए भी ना,
तो यहाँ पर जैसे डोरेमोन, शिनचैन, ब्लैक पिंक और जो भी चीज़ें आजकल आप सबको पता है बच्चों की चल रही है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही यूनिक होती हैं, इसलिए बच्चे अट्रैक्टिव भी होते हैं। तो आशी और सिया ने भी अपने अपने लिए बस यहाँ से चीज़ें ले ली हैं, जो चीज़ मैं बोलती हूँ नहीं लेनी है उनको वही चीज़ लेनी होती है। तो बात सारी ये होती है कि जो उनके मन में फिर वो ना लो तो फिर गुस्सा करते हैं और लेंगे वही चीज़ जो घर पर ऑलरेडी पड़ी होंगी, लेकिन अब क्या करें मानते नहीं है। आशिका जो है सेकेंड लास्ट आप बोल सकते हो, इसके बाद उसका एक एग्जाम और है, मतलब आज उसका मैथ्स था और नेक्स्ट इसका परसों है संस्कृत और उसके बाद इसके एग्जाम जो है खत्म है फाइनली। बहुत लंबे इसके एग्जाम चले, पूरा एक महीने, मतलब एग्जाम इतने नहीं थे लेकिन गैप की होने की वजह से ना बहुत लंबे इसके एग्जाम चले, मतलब अजीब भी हो गया। और आज मैथ्स का था, इस वजह से मैं बीच में कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ, आई थिंक 4-5 दिन हो गए ब्लॉग नहीं गया है, क्योंकि बच्चों के साथ ना बैठना पड़ता है। अभी मैथ्स का था उसका, तो फिर मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकती थी, इस वजह से बस 3-4 मतलब जो भी दिन गए हैं, मैथ से पहले भी उसके एग्जाम थे, हिंदी का था और भी थे, तो इसलिए बच्चों के साथ बैठना ही पड़ता है। मतलब बहुत से बच्चे खुद भी पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, और अगर पढ़ रहे भी होते हैं तो भी एक बार पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान देना ही चाहिए। तो मैं बिल्कुल पीछे ब्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाई हूँ। एक दिन हम लोग मेले गए थे आई थिंक, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था, वो भी इतना बेकार बना, मेरे को पता ही नहीं चला कैमरा गंदा है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोगों तक क्लिप शेयर कर दूंगी। और आज जो मेला है टपकेश्वर का वो भी खत्म होने जा रहा है, तो हम तो चले गए थे तो अब दोबारा नहीं जाना है, तो क्योंकि अब इसका एग्जाम भी है लास्ट, वो उसकी तैयारी करनी है। अभी जस्ट मैं इसको लेकर ही आ रही हूँ, अभी नहीं आ रही, मतलब 11:30 बजे इसका पेपर छूटता है, तो इसको लेकर आ गई थी मैं, क्योंकि आज हस्बैंड नहीं गए थे, हस्बैंड किसी काम से गए हुए, तो इसको मैं ही लेकर आई थी। और अब वो टीवी में बैठी हुई है, बोल रही आज मेरे को डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आज मैं पूरे दिन टीवी, मतलब आज मैं फ्री रहूंगी, आज नहीं पढ़ाई करूंगी, क्योंकि इसका संस्कृत का है, संस्कृत ये कर लेती लेकिन फिर भी है तो एग्जाम तो पड़ेगी, लेकिन अभी मैंने इसको फ्री कर दिया क्योंकि मैं भी थोड़ा फ्री होना चाहती हूँ, क्योंकि मैथ्स का था ना इतना दिमाग खराब होता है ना, तो पूरा कल परसों से इसके पीछे पीछे, तो इस वजह से आज मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहती हूँ, सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ तो थोड़ा सा माइंड अच्छा तो हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करके गई थी ना मॉर्निंग में, मैंने यहाँ पे हम लोगों ने आज ब्रेकफास्ट बहुत सिंपल सा ब्रेड ही खाए थे हमने, तो यहाँ पे मैं बैगन जो है ना फ्राई करके चले गई थी, मतलब ऐसे फ्राई नहीं कर रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं थोड़े से ऑयल में ना, क्योंकि आज मैं बैगन मसाला बना रही हूँ। बैगन बहुत सारे हो रखे थे और 4-5 बैगन तो खराब ही निकले, क्योंकि बहुत दिनों के पड़े हुए थे ये, इसलिए तो बैगन मसाला के लिए बैगन को फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो ये मैंने फ्राई सुबह ही कर लिए थे नाश्ता के साथ ही। अभी मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी, तो उसके लिए प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये सब कट करूंगी, ये ज़्यादा है प्याज, थोड़े कम करूंगी। और उधर बैठी हुई आशी बैठी हुई है, और आशी का एग्जाम कैसा गया आज? बहुत अच्छा गया। अब लास्ट टेस्ट का संस्कृत का, अब ये फ्री बैठी हुई अपना ब्रेकफास्ट, इसने वही खाया है, ब्रेड वगैरह ही खाई है, तो ये शुभ सुबह सिर्फ एक पराठा खा के जाती है, तो फिर आते हैं थोड़ा बच्चे को भूख लग जाती है, तो इसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। और आज मेरे को बहुत रिलैक्स, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कितना रिलैक्स सा फील हो रहा है, कि इसका जो मेन जो मेरा वो था ना मैथ्स का रहता है तो वो हो चुका है, अब बस एक रहता है, तो अब मैं भी बहुत अपने आप को फ्री समझ रही हूँ कि हाँ मैं अभी खुद से फ्री हो गई हूँ। तो चलिए अब लंच की तैयारी करते हैं, फटाफट से लंच बनाते हैं, 12:30 बज गए इसलिए। तो बस यहाँ पे बैगन मसाला के लिए मैंने जो प्याज है उसको चॉप कर लिया, यहाँ पर अदरक और लहसुन को मैं कूट रही हूँ, क्योंकि कूटे हुए का स्वाद भी कुछ अलग ही आता है, और लहसुन तो बहुत ज़रूरी है अगर हम बैगन बना रहे हैं तो, टेस्ट के लिए भी और थोड़ा सा डाइजेस्ट मतलब हो जाए इसके लिए लहसुन की ज़रूरत होती है, क्योंकि बादी भी होता है इसलिए। तो बस यहाँ पर वही कर रही हूँ मैं, इसके बाद फ्राई तो करे हुए ही हैं बैगन, उनको निकाल लूँगी, और इन बैगन में से ना ऑयल तो था नहीं इनमें, लेकिन इनका जो पानी था ना वो कढ़ाई में रह गया था, तो वो मैं फेंक दूँगी क्योंकि किसी काम का नहीं है अब। तो बस अब यहाँ पे जो है ऑयल वगैरह गरम करके जो चीज़ें इसमें ज़रूरत होती है वो बना दूंगी, ये मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है पहले भी, तो अभी शेयर नहीं करूँगी, बस बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जब बन जाएगा ना तभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बनाए। तो बस यहाँ पे आपको मैं अब डायरेक्ट दिखा रही हूँ, जब बन चुका है ना तब मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे सिया शूट कर रही, तो मैं इसको बोल रही थी कि यहाँ पर आकर दिखा, और तो बस धनिया इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, धनिया ना थोड़ा सा कम ही ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है लेकिन सिया थोड़ा सा नखरे करती है इसलिए। और यहाँ पर जिस चक्कू से मैं काट रही हूँ ना, ये वाला नाइफ जो है हम मेले से लेकर आए हैं, मेरे को ना ये वाला नाइफ लेने का बहुत टाइम से मन था कि मैं वाला लूँ, क्योंकि ये ना काफ़ी अच्छा रहता है, ये जो लोहार लोग बनाते हैं ना उनसे ही लिया है ये, और इतना शार्प है ना ये, मतलब ब्लेड की तरह है, तो इसको बहुत संभल के यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगता है, इसे कटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। बैगन मसाला रेडी हो चुका है, धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और यहाँ पे हमारे राइस भी बन गए हैं, तो बस अब मैं खाना लगाने जा रही हूँ, मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ
बैगन मसाला। ग्रेवी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा से रखी है क्योंकि चावल के साथ थोड़ा चल जाएगी और शाम के लिए भी हो जाएगा ये, इसलिए। तो ये तो यहाँ पे आज मैंने बनाया है काजू मसाला। तो ये देखो इस टाइप से बनाया मैंने, बहुत अच्छे हो रहे हैं ये। आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा तो मैंने कहा जब अच्छा बनेगा तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसको मैं। तो अभी ये काफ़ी अच्छे बने, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी बने, तो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। ये बनाए हैं और इसकी जो कॉर्नर से बच जाते हैं ना उसका मैंने ये बना दिया। ये भी बहुत टेस्टी हो रहा है खाने में, बस शेप अच्छी नहीं है खाने में, लेकिन बहुत अच्छे हो रहे हैं और बहुत क्रंची हो रहे हैं। तो ये काजू मसाला, इसकी रेसिपी लेकिन नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसको मैं डब्बे में रख रही थी तो सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ मैं। और इसका ऑयल वगैरह सब मेरे को हटाना है। और यहाँ पे बनाई है मम्मी ने आज सब्जी, जो होता है ना सूचने बोलते हैं आई थिंक इसको, मैं नाम भूल गई, हाँ यही बोलते हैं इसको। तो ये मम्मी ने बनाई है, मैंने टेस्ट करी है, बहुत अच्छी हो रही है, ये भी टेस्टी हो रही है बिना टमाटर के, बहुत अच्छी हो रही है। ये घर की है तो ये बनाया है मम्मी ने और ये मैं यहाँ रख देती हूँ। बच्चों को इतना पसंद आ रहा है ना ये, बहुत अच्छा लग रहा है इन दोनों को, तो ये ज़्यादा ना खा जाए इस वजह से इसको मैं रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता ना। यहाँ पे है बेडशीट, तो मैं पहले सोच रही थी आपको दिखाती हूँ, फिर मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं फ़ोन में बात करने लगी, आधा एक घंटा तो बात करते करते हो गया और अभी 7:45 बज गया है। तो ये वाली बेडशीट ली है हमने, ये मतलब 6 बेडशीट ली थी, एक तो बिछा दी है और ये अभी बिछाई नहीं है, एक तो मम्मी ने वॉश ही कर दी है, ये है। तो अभी ना आपको खोल के दिखाती हूँ मैं ढंग से, एक ये है, ये वाली वॉश कर दी है तो आपको अभी ढंग से दिखाती हूँ मैं फ्रंट। यहाँ पे ना मैं आपको बेडशीट दिखाती हूँ जो हम लोग लेकर आए थे, और ऑनलाइन भी हमने देखी थी लेकिन ना मेरी समझ नहीं आ रही थी, ऑनलाइन मतलब पसंद भी आ रही थी और थोड़ा साइज का मेरे को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब तक आंखों से ना देखो ना, सामने से तो समझ नहीं आता है, आंखों से मीन्स कि सामने से ना देखो तो हम लोग जहाँ से हमेशा बेडशीट लेकर आते हैं, हम बहुत सालों से वहीं से लाते हैं, तो वहीं से लाए हम लोग, गढ़ी में है ये शॉप। तो अगर इधर से कोई है तो सुनील एंड सन्स के नाम से है, और बहुत अच्छे यहाँ पे कर्टन वगैरह भी, मतलब हर चीज़ मिलता है वहाँ पे, कर्टन बेडशीट पिलो कवर जो लेना है सब कुछ मिलता है। तो वहीं से हम लोग लेकर आए थे और काफ़ी टाइम से बेडशीट ली भी नहीं थी, सारी पुरानी हो गई, मतलब तो ख़राब नहीं है लेकिन काफ़ी टाइम पहले ली थी। तो एक ये वाली बेडशीट है, ये जब बिछेगी तो ये आपको पता चलेगा, तो जब बिछाएंगे, ये मम्मी की बेडशीट है ऐसे करके, ये तो ये पूरा ऐसा है एक बेडशीट, तो ये और ये प्योर कॉटन है, जितनी भी लेकर आए ना तो ये बिल्कुल प्योर कॉटन है, ये तो मम्मी ने वॉश भी कर दिया है, और इसके पिलो ऐसे हैं ये, और बिल्कुल फुल साइज के हैं। तो यही फर्क होता है कि थोड़ा सा ना सामने से पता चल जाता है बेडशीट का कि कितना साइज है ना। तो ये है एक बेडशीट मम्मी की, और एक मम्मी ने ये ली है अपने लिए, ये भी बहुत सुंदर है ऐसे, ये पूरा ना ये जो डिजाइन है पूरा सर्कल के अंदर है ये, तो मैं खोलूंगी नहीं। और ये है इसके साइड में, तो ये वाली बेडशीट ली हमने, ये भी बहुत सुंदर है और इतनी लंबी चौड़ी है ना ये बहुत लंबी चौड़ी है, प्लस की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है। और ये है इसके पिलो बेडशीट की तरह ही, तो ये इसके पिलो है, बहुत ही प्यारी बेडशीट है, मतलब कलर बहुत प्यारा है इसका, सोबर सा बहुत प्यारा। तो ये दो बेडशीट है, एक बेडशीट बिछा दी है वो मैं कभी आपको दिखा दूंगी, वो भी बहुत अच्छी है। तो तीन मम्मी ने ली थी और तीन मैंने ली है, तो एक तो मैंने ये वाली ली है अपने लिए, ये वाली बेडशीट ली है। तो ये ऑल ओवर ऐसी है और इसका बॉर्डर ऐसा है पीच कलर में है, ये भी बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो एक तो ये वाली बेडशीट ली है, ये वाली, और इसके पिलो कवर है ऐसे, मतलब इससे अंदाजा जब मैं लगाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा, एक इसका पिलो कवर ऐसा है और बैक में ये ऐसा है, तो दो डिजाइन है इसमें, ऐसा भी है और बैक में ऐसा भी है। तो ये इसके पिलो है, और सेकंड बेडशीट मैंने ली है ये वाली पिंक कलर की ली है मैंने, इनका ना कपड़ा बहुत अच्छा है, मतलब पकड़ने से ही पता चल रहा है कपड़ा बहुत अच्छा है। एक ये वाली ली है हमने बेडशीट, ये वाली, तो ये ऐसे ना ब्लॉक ब्लॉक प्रिंट है इसमें, तो इस टाइप की ये बेडशीट ये, और इसके पिलो कहाँ गए, अच्छा इसके पिलो, इसके पिलो नीचे गिर गए, और इसके हैं ये वाले पिलो, ये वाले पिलो का साइज भी बहुत बड़ा है क्योंकि बेडशीट ये बहुत बड़ी बड़ी है इसलिए। तो एक ये है और एक है ये वाली बेडशीट, ये बहुत अच्छी, ये वाली जो बेडशीट है ना, ये वाली जो बेडशीट है वो इन सब में से थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा कपड़े का अंतर है मेरे ख्याल से इसलिए, लेकिन ये अच्छी लग रही थी। तो ये है,
ऐसी है, ये पूरे ऑल ओवर ऐसी है, ऐसे प्रिंट हो रखा है इसमें, तो ये बहुत सुंदर लग रही है। तो ये वाली बेडशीट ली मैंने और इसके पीलो कवर थोड़ा सा चेंज है, शायद कंट्रास्ट में आए हुए हैं, तो ये ऐसे कंट्रास्ट में दिए हुए हैं ये, और इसका पीलो कवर देख लो कितना बड़ा है। तो ये वाली बेडशीट है जो ली है, ये वाली होल इसलिए नहीं हूँ, जब बिछाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, और ऑनलाइन नहीं है ये, ऐसे हमने लोकल मार्केट से ही लिया अपने, तो वही है, ऑनलाइन ही मैंने मंगाई थी। थोड़ा सा साइज का प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन में, इसलिए मैंने ली नहीं है, क्योंकि प्राइस तो उतना ही थोड़ा सा ज्यादा होता है इनका प्राइस, लेकिन यह है कि चल काफी जाती है और अच्छी भी रहती है क्वालिटी ये है। और ना दो हमने पिलो लिए हैं, क्योंकि मेरे पिलो ना आप देखोगे बिल्कुल पिचक गए, मम्मी वाले भी ऐसे हो गए, क्योंकि फॉर्म होता है ना ये तो दब जाता है, तो दो पिलो लिए हैं हमने। और मैंने ना ये मंगाए थे, तो ये मंगाए थे मैंने कुशन कवर, ये फाइव का सेट था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए, अलग अलग है ये वाले साटन में आएंगे ऐसे वाले, ये है इसमें, तो ये ना फ्लावर है ये इस टाइप के, अच्छा लग रहा है भी ना, तो जो मर्जी है वो पिलो में मतलब कुशन में लगा लो। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, और हम लोग मेले गए थे वहां से भी हम लोग कुशन कवर लेकर आए, वहां पे भी इसी प्राइस का मिल गया था, काफी अच्छे हैं वो भी, तो हमने लगा भी दिए हैं वो। तो ये बस मेले में गए थे, तो आशी और त्याने अपने सामान लिया था कुछ वही है, तो बस यही सब था जो मैंने बेडशीट वगैरह दी। कर्टन है वो भी लगाने हैं मेरे को अभी, जिस दिन आशी का लास्ट पेपर होगा उस दिन मैं कर्टन वगैरह बेडशीट वगैरह आपको सब सेट करके तब मैं दिखाऊंगी। और मेरा मन बहुत है कि वॉल पे भी कुछ लगाऊं, क्योंकि हमारी ना वॉल काफी खाली है, इसे ये भी खाली है, इधर वाली भी खाली है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं लगाने देते, वो ड्रिलिंग कुछ नहीं करानी है, मना कर रहे हैं कि ड्रिल नहीं करना है, ये नहीं करना है, बिना ड्रिल के कुछ लगेगा नहीं, तो देखते हैं कुछ करते हैं, क्योंकि वॉल पे कुछ लगाओ तो अच्छा लगेगा, ऊपर से वाइट प्लेन है तो अच्छा लगेगा, लेकिन ये कुछ नहीं लगाने दे रहे हैं कि वाइट ज्यादा कुछ नहीं लगाना है, ताम झाम हो जाएगा ये बोल रहे हैं, लेकिन देखते हैं कुछ ना कुछ मैं लगाऊंगी, बाद में देख लेंगे आराम से। तो चलिए बस इस व्लॉग को आज यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।